आज इखलाकी तौर पर इसी पीटीआई और इमरान खान के साथ इखलाकी तौर पर खड़े हैं। तमाम पाकिस्तानी को पता है कि सब मुल्क में हुकूमत बचाने और हुकूमत गिराने का गंदा खेल जो है हो रहा है। अगर मैं सन की बात करूं तो 40 सालों से पीपल्स पार्टी से हकूक लेने की अलमबरदार पार्टी MGM आज वो उसी पीपल्स पार्टी के साथ जाकर बैठ कर इस हुकूमत को गिराने का हिस्सा बन रही है। इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा ये आई ओपनर होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए बात कि किन लोगों के साथ होते, जिन लोगों को नफीस लोग कहते थे हमें पता था, जिनके मेयर को उन्होंने कभी भी करप्ट नहीं कहा, करप्शन होने के बावजूद आज MGM का बैठकर सिटिंग मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर भी है और वो बैठकर जो है वो जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से इस हुकूमत को गिराने की साजिश का बाकायदा अलल ऐलान टीवी के आगे कैमरे के आगे बैठकर उसका हिस्सा। तो नफीस लोग जिनको इमरान खान साहब कहते थे उनको भी थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उन्होंने उसकी वजह से किसी से कोई सही रवैया नहीं रखा उनके लोगों ने। इमरान खान साहब की सारी खराबियों के बावजूद, सारे बातों के बावजूद, सारी जो है वो सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो भी उनकी जो है सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं, हमने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन अगर उनका नेमुल बदल, उनको हटाकर उनका नेमुल बदल जो है वो पीपल्स पार्टी और MGM है, तो फिर हम आज इखलाकी तौर पर इसी PTI और इमरान खान के साथ इखलाकी तौर पर खड़े हैं। अगर PTI के नेमुल बदल ये MGM और जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी है।